और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये इस मुर्गी की तो चोंच की कटिंग हो चुकी है अच्छी तरीके से। ये आप सेक देख सकते हैं कितनी अच्छी से सेव हो रही है इसकी, बहुत ही बढ़िया कटिंग है और इसको आने वाले समय में दाना खाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये मैं दिखा रहा हूँ ये आप देख सकते हैं किस तरीके से नुकीली यहाँ से हो चुकी है और इसके जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान इसके जो होंगे क्योंकि जो है इसकी जो कटिंग जो हुई नहीं है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इसकी चोंच इसके मुकाबले में कितनी ख़तरनाक यहाँ पर हो चुकी है। इससे जो नुकसान है ये मैं आगे बता रहा हूँ वीडियो में, इसे क्या बहुत ही भयंकर नुकसान आपको जो उठाने पड़ सकते हैं। ये फ़ायदा है कि मुर्गी कटिंग का, ये आप देख सकते हैं इसमें जो दाने की जो हमारी ये चैन चलती है ये इसमें जो चैन होती है, और अगर इसकी जो मुर्गी की चोंच अगर हम नहीं कटिंग करेंगे तो वो चोंच जो इसमें दिक्कत आएगी दाना खाने में चैन में वो लगेगी और चोंच जो टूटने का इसमें बहुत ही खतरा होता है। और अगर चोंच मुर्गी की टूट गई तो ये दाना खाने में इसको आने वाले समय बहुत ही दिक्कत होगी और बहुत ही ज़्यादा जो इसमें जख्म भी हो जाएगा। और दूसरा इसका दिखा रहा हूँ मैं आगे, इसके अगर मुर्गी जो अंदर पिंजड़े में है ये मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये पिंजड़े में मुर्गी है तो आपस में अगर मुर्गी नुकीली होगी तो वो चोंच जो यहाँ पे लगाएगी इसमें और यानी कि मुर्गी को भी वो मार सकती है, यानी कि आँख आपस में लड़ाई कर सकती हैं जिससे कि इनका जो झगड़ा यानी कि लड़ाई होगी तो जख्मी जो मुर्गी हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो फार्मर्स को उठाना पड़ता है। क्योंकि कटिंग करने के बहुत ही फायदे हैं, कटिंग नहीं करोगे तो आपको नुकसान उठाना। पूरी जो कटिंग होती है चोंच की उसकी पूरी वीडियो जो हमारे चैनल पर डली हुई है उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा इसी वीडियो में, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग की जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से कोई दिक्कत नहीं आती उसमें कटिंग करने में। और आपको जो आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा अगर मुर्गी की जो कटिंग आप नहीं करोगे। और एक बार मैं फिर आपको दिखा दूँ कि ये नुकसान किस तरीके से आपको उठाना पड़ सकता है। ये आप नीचे देख सकते हैं किस तरीके से ये नुकीली हो गया चोंच, जैसे कि एक बाज की जो चोंच बहुत ही बड़ी हो जाती है और उसे भी जो फिर बाज की जो उम्र होती है बहुत ही ज़्यादा होती है उसमें उसको दिक्कत आती है। अगर उसकी चोंच अगर बड़ी होगी तो बाज को जो अपनी चोंच आपने वीडियो भी देखी होगी और सुना भी होगा कहानियों में कि जो बाज है अपने आप ही अपनी चोंच से ही जो मार मार के पत्थर में और अपनी चोंच को वो तोड़ देता है, वो कहानी जो होती है मुर्गी की। अगर मुर्गी चोंच बड़ी होगी तो ये आपस में जख्म कर सकती हैं और इसमें जो यहाँ पे जो सिस्टम है ना पूरा केज बना हुआ है लोहे का स्टील का उसमें मार मार के वो जो चोंच को ख़त्म कर सकती है और बहुत ही बड़ा जो नुकसान मुर्गी को हो जाएगा यानी कि फार्मर्स को नुकसान पूरा। और ये मैं दिखा रहा हूँ जो चैन होती है अंदर से, ये आपको क्लियर दिखा दूँ कि जो चैन चलती है जिस टाइम पे जो अब फिलहाल में जो इसमें थोड़ा दाना है तो इसमें जो ये चैन इस तरीके से यहाँ पर होती है ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो मुर्गी दाना खाएगी जो चोंच अगर इसकी नुकीली है आगे से कटिंग नहीं हुई है तो वो इसमें लग के टूट सकती है और बहुत ही जो नुकसान मुर्गी को होगा, मुर्गी जो जख्मी हो जाएगी और दाना खाने में आगे जो उसे दिक्कत होगी। और तो ये फ़ायदे होते हैं मुर्गी चोंच की जो कटिंग करने के, बहुत ही फ़ायदे हैं। आगे भी बहुत ही जो जानकारियाँ हैं मुर्गी फार्म की कंप्लीट जो जानकारी हम दे दें आपको, चाहे वो दाने की हो दवाई की हो जितनी भी मतलब ये आपकी देख रेख है सारी जो कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये वीडियो आज एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो